फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू गर्ल ऑफिशियल। मैं आ चुकी हूँ आज आपके साथ एक अनदर रेसिपी लेके, जो है लच्छा प्याज। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो ऑनियन ले लिया है, ठीक है, मीडियम साइज के। आप यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए बना रही थी, तो मैंने दो ऑनियन है उनको कट कर लिया है, ऊपर से छील के निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आप मीडियम साइज के ही ऑनियन लेना, वो ध्यान रखना कि गोल शेप में हो, राउंड, ठीक है, वरना इसकी जो स्लाइस है, रिंग, वो प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं आएगी इसीलिए। और आजकल आपको पता होगा दोस्तों, हर कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, तो हर जगह पे लच्छा प्याज अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी तरह से हम राउंड कट में, मतलब कटिंग कर लेंगे उसको। और फ्रेंड्स इसको मीडियम कट करना है, ज्यादा बड़ी स्लाइस में मत कट करना, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हम इस दोनों प्याज को इसी तरह से कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसका होटल में प्राइस है प्लेट का, वो 90 रुपए है, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी और इतना महंगा मिल रहा है। तो क्यों ना हम घर पे ही बनाए, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो घर पे, चाहे दाल चावल हो या कोई सब्जी, या फिर दिल्ली के फेमस छोले भटूरे हो, चाहे कुछ भी आपने घर पे बनाया हो, तो ये हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी एंड अच्छा लगेगा, मस्ट ट्राई। और गेस्ट आए आपके पास घर पे, अचार अवेलेबल ना हो, कोई भी, मतलब जैसे कुकुम्बर या किसी का भी सलाद अवेलेबल ना हो, तो हर किसी घर में ऑनियन तो रहती है यार, तो एक बार ये गेस्ट को जरूर बताना, ठीक है, और खिलाना। सच में गेस्ट बोलेंगे, वाह क्या गजब, मजा आ गया खाने में, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपकी तारीफ करने से नहीं थकेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं अभी बीच में गई थी वृंदावन, हम लोगों ने वहां पे खाया था, हमें सच में इतना पसंद आया था। और इसके बाद मैंने एक बार घर पे बनाया, तो घर पे मुझे सेम टेस्ट मिला, तो यार आप तो मेरी फैमिली हो, श्योर मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ सारी चीजें। तो मैंने सोचा एक बार मैं मेरी फैमिली को भी बता दूं ये, ताकि कभी भी गेस्ट आए और इंस्टेंट सलाद रेडी कर सके। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिंग है उनको पूरा लेआउट कर दिया है, ठीक है। एक यहाँ पे बाउल ले लिया, बाउल में मैंने आइस को एड ऑन कर दिया है, ठीक है, और ठंडा पानी ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि इसको हम बर्फ में रखेंगे तो ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगी और इसका थोड़ा सा क्रंचीनेस, क्रिस्प हो जाएगा, ठीक है। वरना आप डायरेक्टली, मतलब नॉर्मल पानी में रख दोगे तो आपको पता होगा ऑनियन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पिचकू हो जाएगी, तो इसीलिए हमने आइस में डाला है, डिप किया है, ताकि ये सॉफ्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिनट अराउंड रखा था, ठीक है, एक मिनट अराउंड हो चुका है, इसको बस हम दूसरे बाउल में डाल लेंगे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये रिंग को, मतलब ऐसे पानी में, मतलब ठंडे पानी में रख सकते हो 10 से 15 मिनट, और कभी भी आप खाने बैठो, ठीक है, उसी टाइम पे सारे मसाले एड ऑन करना, ताकि ये सॉफ्ट ना हो, ठीक है, और इसका टेस्ट है वो भी अच्छा है, थोड़ा सा तीखापन होता है ऑनियन का, वो निकल जाए, ठीक है। तो चलो हम फटाफट से इसमें सारे मसाले एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट एड ऑन कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये था रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, कश्मीरी मिर्च, ये है फ्रेंड्स पेपरिकाना पाउडर, ठीक है, ब्लैक पेपर, और फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे लिया है जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है, या आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो खट्टापन के लिए, ठीक है। तो मैंने जलजीरा पाउडर एड ऑन किया है। यहाँ पे मैंने हाफ, मतलब नींबू है उनको निचोड़ लिया है, नींबू का जूस, और टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे मैगी मसाला एड ऑन कर दिया है, ताकि यार हम इंडियन है, चटपटा तो चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर एड ऑन कर दिया है, ठीक है, इसको देखो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये हमारा लच्छा प्याज सलाद रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। बाय।